नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 9 जुलाई के करंट अफेयर्स, और उसके पहले हम देखेंगे मोटिवेशन कोट क्या लिखा है। देखिए, नथिंग बेटर देन टुडे बिकॉज टुमारो नेवर कम्स, बोला जा रहा है यहाँ पे। आज से अच्छा, मतलब जो वर्तमान आज है आपका, उससे अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कल तो कभी नहीं आता है। देखिए, कुछ लोग की आदत जो होती है, कोई भी काम आए, कोई समस्या आए, तो क्या बोलते हैं कि कल पे निपटा देते हैं, कल पे टाल देते हैं, यानी कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परंतु कल कभी आता है क्या? नहीं आता। इस प्रकार आपका जो बोझ है या फिर समस्याओं का जो ढेर है, वो आपका बढ़ते जाता है, और एक समय बाद इतनी बड़ी समस्या बन जाती है कि आपको सॉल्व करना बहुत ही कठिन लगेगा। तो इसलिए कभी भी आज को आप जो है आज को ही माने, मतलब आज ही इंपॉर्टेंट है, जो भी करना है वो आज ही करना है, जो भी टाइम टेबल आपको फॉलो करना है वो आज ही करना है। तो बिल्कुल लग जाइए आप, जो आज है उसको सही तरीके से आपको यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो देखिए, इसमें हम जो है बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, क्विज पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डे, इसके अलावा करंट अफेयर्स, द हिंदू के जो न्यूज है, पीआईबी एनालिसिस, इसके अलावा हम एआईआर न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज होती है उनको हम कवर करते हैं। मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत हम एक कंट्री डेली डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार जो डेली फॉलो करेगा इस लेक्चर को, उसका जो है जो वर्ल्ड मैप है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। ये हमारी कुछ सोशल लिंक्स है, इनको आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे तो आपको फ्री में पीडीएफ डेली की, सारे लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलते रहेगी। तो चलिए देखते हैं हम इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका इंडियन पॉलिटी का, उसमें क्या देख रहे हैं आप? देखिए, परमादेश जो रिट है, रिट मैंने बताया था, अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो सिंपल सी बात है वो कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट साथ साथ में हाई कोर्ट भी इसको पावर दे दी गई है। तो दोनों ही जो कोर्ट है वो क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। तो रिट होती है टोटल कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। तो उसमें से एक होती है परमादेश। तो परमादेश जो रिट होती है वो किसके, मतलब किसके द्वारा जारी की जाती है? तो सिंपल सी बात, यहाँ देखिए, यहाँ हम बात करें, देखिए जारी तो की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो पहली जो रिट होती है उसका नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब उस व्यक्ति के संबंध में ये जो न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिससे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, मतलब अनावश्यक अगर हिरासत में किसी को रख लिया गया है तो उस समय इस रिट को जारी किया जाता है। फिर नेक्स्ट है परमादेश। तो यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। आपको याद रखना, सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों को नकारने, यानी कि कोई सिविल सर्विस, मतलब जो है सिविल सर्वेंट है, लोक सेवक है, वो क्या कर रहा है? अपने कार्य के लिए अनदेखा कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो उसके लिए रिट जारी की जाती है। फिर बात करते हैं थर्ड, प्रतिषेध। तो ये जो है उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को, जो भी ट्रिब्यूनल होते हैं उनको एक न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने के लिए रोकने, मतलब अपने कार्य क्षेत्र के अलावा दूसरे कार्य को करने से रोकने के लिए रिट जारी की जाती है। फिर उत्प्रेषण है, एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र द्वारा जो है पत्र जारी करके इस रिट को जारी किया जाता है। तो ये हो गई हमारी कौन सी? चौथी रिट। अब बात करते हैं हम कौन सी, पांचवी रिट की। तो जो पांचवी रिट है उसका नाम है अधिकार परीक्षा। तो इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी की जाती है। तो ये पांचों रिट हो गई। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संसद को यह अधिकार देता है, मतलब कौन सा आर्टिकल, यहाँ बात की जा रही है कौन से आर्टिकल, जो मतलब जो कौन सा आर्टिकल है वो संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के जो मूल अधिकार है एवं युक्त जो प्रतिबंध है उन पर लगा सकती है। मतलब आपको पता होगा, जैसे कि नॉर्मल जो नॉर्मल पीपल होती है, नॉर्मल जनता होती है, उनके फंडामेंटल राइट अधिक होते हैं किसकी अपेक्षा? एक जो है सेना, यानी सशस्त्र सैनिक जो बल के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी अपेक्षा जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके फंडामेंटल राइट अधिक होते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबंध कौन लगाता है? संसद। तो संसद जो है प्रतिबंध लगाता है, इसमें जो अधिकार मिला संसद को वो किस आर्टिकल के तहत मिला है? तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल नंबर 33 है, बोलता है कि संसद इनके जो अधिकार है उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो यहाँ देखिए हमने बात करें हैं आर्टिकल नंबर 33 की, और एक प्रकार से देखिए इसका उद्देश्य जो है समुचित कार्य, मतलब एक प्रकार से ये बात आप एक उदाहरण के तौर पर लिखे देखिए, खुद सोच के देखिए, अगर जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके जैसे अगर फंडामेंटल राइट है, हमने जो आर्मी वाले सशस्त्र सैनिक बल को अगर मिल जाए तो वो क्या बोलेंगे? मुझे यहाँ पे, मतलब अगर उनको सुरक्षा के लिए कहीं खड़ा किया गया तो उनको वो क्या बोलेंगे? स्वतंत्र, मतलब वो स्वतंत्र है भाई, वो नहीं रह सकते वहां, तो ऐसा बोल के वहां से हट जाएंगे, तो इससे प्रॉब्लम होगी कि नहीं? इसलिए उनके जो अधिकार है उनको क्या संसद के द्वारा कम कर दिया जाता है। तो इसलिए इसका उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है। आर्टिकल नंबर 33 जो है विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को, ये भी अब बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाया जाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। इसका प्रावधान कहाँ किया गया, यानी कि किस आर्टिकल के तहत इसका प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर हमारा देखने को मिल रहा है, आर्टिकल नंबर 34। ये बोलता है कि अगर मार्शल लॉ लगा है तो सारे जो फंडामेंटल राइट है उन पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, छोड़कर किसको, 20 और 21 को छोड़ दिया जाता है। अब 20 और 21 क्या है वो हमने फंडामेंटल राइट में कंप्लीट डिस्कस किया है, पॉलिटी जाकर पढ़ेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो आपको याद रखना, अंग्रेजी कानून के तरीके से ही एक प्रकार से शाब्दिक अर्थ इसका सैन्य शासन होता है, यानी सैनिक शासन अगर लगाया गया है तो फंडामेंटल राइट सारे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, हम इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? देखिए पहले भारतीय गवर्नर की अगर बात करें हम तो यहां देख सकते हैं, हम देखिए पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो थे सर सीडी देशमुख। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट फॉरेन, मतलब फर्स्ट आरबीआई गवर्नर की बात करें फॉरेन के यानी कि विदेशी, तो सर ओसबर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में कौन है, ये वर्तमान में है शक्तिकांत दास, तो ये आप याद रख सकते हैं। और जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, वो भी गवर्नर के पद पर रह चुके हैं, आरबीआई के पद पर, आरबीआई के गवर्नर के पद पर वो रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? तो आपको पता है इंपीरियल बैंक जो है बना था, तो उसको रिप्लेस करके 1955 में क्या किया गया, एसबीआई का गठन किया गया राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ में। तो आप देख सकते हैं, देखिए बैंक ऑफ कलकत्ता बना था कब, 1806 में। मतलब सबसे पहले तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था, ठीक है, उसके बाद 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बना, जिसका नाम बदल दिया गया 1809 में, और बदलकर क्या कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल, ये याद रखना है। फिर दो बैंक आए, कौन कौन से, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तो ये भी आए बाद में। और अब बात हो गई, देखिए बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तो ये तीन हो गए, तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया 1921 में, और नाम रख दिया गया क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक को फिर नाम बदल कर क्या कर दिया गया, एसबीआई, कब, 1955 में, साथ में इसको राष्ट्रीयकृत भी घोषित कर दिया गया। तो ये तो हो गया हमारा एसबीआई से। फिर देखते हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ में बीएमबी भारतीय महिला बैंक, इन दोनों को आपस में मर्जर कब किया गया, मर्जर यानी कि होता है दोनों को आपस में मिला कब लिया गया, तो जब भारतीय महिला बैंक को मिलाया गया तो साथ में टोटल 5 एसबीआई को भी इसमें मर्ज किया गया था। तो जो भारतीय महिला बैंक है उसकी जो स्थापना की गई थी हमारी प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी याद में किया गया था, और इसको मर्ज कर दिया गया है एसबीआई के साथ में। अब कब किया गया है तो ये हमको देखने को मिलेगा, देखिए ये जो है सैद्धांतिक रूप से इसको मंजूरी मिल गई थी कब, 15 जून 2016 को, परंतु जो है ये जो है एक्टिव कब हुआ, 1 अप्रैल 2017 को ये एक्टिव हुआ, मतलब जो उनका सैद्धांतिक रूप से मंजूरी थी वो, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये जो है 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक को आपस में मर्ज करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे पढ़ने वाले हम, तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट डे होने वाला, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जिसे हम बोलते हैं, तो ये मनाया जाता है। देखिए मनाने की अगर बात करूं मैं यहाँ, तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार पहला शनिवार कौन सा पड़ा, 6 जुलाई को, ठीक है, तो 6 जुलाई को इसे मनाया गया, किसको, जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। और यहाँ इसको मनाने का उद्देश्य हम देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो बात करता हूँ मैं, सहकारी क्या होता है, सहकारिता क्या होता है, सहकारिता यानी कि कोऑपरेशन क्या होता है। तो कोऑपरेशन की अगर बात करें तो अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर आपस में प्रयास करना क्या कहलाता है, कोऑपरेशन। और जब ऐसे ग्रुप जो है आपस में काम करता है तो उनकी एक संस्था बना ली जाती है, उस संस्था को बोलते हैं हम क्या, उस संस्था को एक प्रकार से हम बोलेंगे सहकारी संस्था। तो ये तो बात हो गई सहकारी की, और इसको मनाया क्यों जाता है, ताकि जो लोग हैं उनके मन में जागरूकता पैदा हो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, यानी कि सहकारिता की भावना जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और 2019 का जो विषय था यानी कि थीम थी कोप्स फॉर डिसेंट वर्क, ये इस बार का थीम था, यानी कि विषय रहता है हर बार का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक जो है आप देख सकते हैं, देखिए महात्मा गांधी आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये जो है उद्घाटन हुआ इसका कहाँ पे, आप देख सकते हैं कोट दी आइवरी, कोट दी आइवरी एक कंट्री है, यहाँ पे हम देखेंगे अभी। और ये जो है विकास क्षमताओं का निर्माण करने के लिए ये भारत की सहायता से इसको उद्घाटन, मतलब इसका उद्घाटन किया गया कोट दी आइवरी में, ये दक्षिण मतलब सॉरी ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में एक कंट्री है आइवरी कोस्ट, इस यहाँ पे हमने क्या मतलब जो है भारत की सहायता से महात्मा गांधी आईटी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क की यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। इससे क्या होगा, एक समर्पित मुक्त व्यापार क्षेत्र है एक प्रकार से, यानी कि फ्री ट्रेड जोन है एफटीजेड, ठीक है, तो ये हम देखेंगे एफटीजेड क्या है, वो सारी चीजें। और जो महात्मा गांधी आईटी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, इस परियोजना की कुल लागत हम देखने को मिल रही है, देखिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और ये भारत की सहायता से यहाँ बनाया जा रहा है।
और दो भागों में विभाजित है। एक प्रकार से हम देखें तो फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए आर्किटेक्चर और डिजाइन शामिल है। दूसरे भाग में देखें तो आईटी उद्यमी जो होते हैं, आईटी उद्यमों के लिए मुख्य भवन निर्माण, ये दोनों चीजें इसमें शामिल है। अब बात कर लेते हैं हम फ्री ट्रेड जोन क्या होता है। तो फ्री ट्रेड जोन की अगर बात करूं तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर कुछ नियमों के तहत वस्तुओं को लाया जाता है, संग्रहित किया जाता है, निर्मित किया जाता है, फिर से पुनर्निर्मित किया जाता है, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है और किसी भी प्रकार का वहां सीमा शुल्क नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार का जो एरिया होता है, इस प्रकार की स्थिति होती है, उसे बोलते हैं हम FTZ यानी कि फ्री ट्रेड जोन नाम उसे दिया गया है। ये जो है व्यापार क्षेत्र का निर्माण प्रमुख बंदरगाहों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और राष्ट्रीय सीमाओं के आसपास ही किया जाता है, जिसके कई सारे भौगोलिक फायदे भी हो सकते हैं। कोट दी आइवरी की बात कर देखिए अफ्रीका महाद्वीप में कहां पे है, देखिए ये देख सकते हैं कोट दी आइवरी। और इसकी जो है एक प्रकार से हम कौन कौन से कंट्री से शेयर करता है अपनी बॉर्डर, लाइबेरिया है, गुनिया है, माली है, बुर्किना फासो और घाना है, ये सभी कंट्री से अपनी बॉर्डर को ये शेयर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं वित्त आयोग की बात की जा रही है, तो अभी तक टोटल 14 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं और ये है 15वां वित्त आयोग जो है 2020 से 25 तक के लिए यहाँ पर गठित किया गया है, मतलब ये 2017 में गठन इसका मंजूरी मिल चुकी है। तो कब मिला देखिए, 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन की मंजूरी यहाँ पे मिल गई है। और इसके पहले जो 14वां वित्त आयोग चल रहा, जो 19-20 जो है 19-20 में एक तक मतलब उसकी सिफारिश को एक्टिव माना जाएगा, उसके बाद से कौन एक्टिव हो जाएगा, 15वां वित्त आयोग, और इसका कार्यकाल हमको देखने मिला 20 से 25 होगा। 14वां वित्त आयोग हमने देखे 1920 तक जो है एक्टिव रहेगा, और पहले वित्त आयोग जो था मतलब 14 होगा अभी तक, तो पहला गठित किया गया था, पहले के जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे, और जो 14वां वित्त आयोग उसके अध्यक्ष कौन है, बायबी रेड्डी है, ठीक है, पूर्व आरबीआई गवर्नर। और यहाँ हम देखें तो अभी का जो 15वां वित्त आयोग उसके जो अध्यक्ष है कौन है, यहाँ पे एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। एनके सिंह जो है भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं 2008 और से 14 यानी कि 2008 से 14 तक बिहार से राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं, तो ये देखने को मिला हमको 15वां वित्त आयोग। अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से। देखिए AIR न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज या जो अलग अलग साइट है उनसे हमने जो है इसको कवर करते हैं। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक एक जारी किया गया है, इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं 2019 का, तो 2019 का जो इंडेक्स जारी किया गया है हेनले पासपोर्ट सूचकांक, उसमें भारत का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग क्या है, या हम बोल सकते हैं उसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, 86 नंबर का इन्होंने जो है क्या करा है, स्थान प्राप्त हुआ है। अब इसका मतलब होता क्या है, जो पासपोर्ट है वो इसलिए यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है क्योंकि कोई व्यक्ति पासपोर्ट ये बिना वीजा के कितने देश की यात्रा कर सकता है बिना वीजा के, तो इस हिसाब से उसकी रैंकिंग दी जाती है। तो यहाँ देखिए 199 पासपोर्ट और 227 छोटे बड़े देशों को शामिल इसमें किया गया है, और भारत जो है 86 नंबर पर, साथ में इसके कौन कौन है, और मॉरिटानिया भी है और साओ टोमे और प्रिंसिपे भी इसके साथ में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की क्रमबद्ध जो है रैंकिंग करता है। तो ये हमने देखे हेनले पासपोर्ट सूचकांक 86 नंबर हमारे भारत को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, हांगकांग सरकार ने चक्रवात प्रभावित किस राज्य के लिए $9 मिलियन से अधिक का योगदान या अनुदान यहाँ पे दिया है हांगकांग सरकार के द्वारा। तो हमारा राज्य है कौन सा, तटीय राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा, जिसे हम ओडिशा बोलते हैं, और यहाँ पे इसके राहत और पुनर्वास कार्य के लिए 9 मिलियन से अधिक यहाँ पे डॉलर की मंजूरी दी है, किसने, हांगकांग सरकार के द्वारा। हांगकांग कहाँ है, चाइना के अंतर्गत है, ये आपको पता होगा। और जो चक्रवात आया था उसका नाम था फेनी चक्रवात, ठीक है, और यहाँ लगभग 45,100 पीड़ितों को लाभ होगा, और इसका उपयोग जो है स्वच्छता किट, रसोई किट जो है, पानी, शिक्षा, मतलब जो रसोई की किट आती है, स्वच्छता की किट आती है, सारी चीजें इसमें सपोर्टिंग तौर पर रहेगी, सारी चीजों में यहाँ पे फायदा मिलेगा जो पीड़ित है उनको। नेक्स्ट बात करते हैं, सेना प्रमुख ने कारगिल श्रद्धांजलि गीत जारी किया है, इस गीत को किसने तैयार किया है, सेना प्रमुख कौन है, बिपिन रावत है, ये बिपिन रावत आपको दिख रहा है, और यहाँ हम देख सकते हैं इसको तैयार करने वाले हैं समर अंजान, और ये जो है हिंदी गीतकार है, एक प्रकार से प्रख्यात प्रमुख रूप से हिंदी गीतकार है, और समर अंजान इनका नाम है, इन्होंने इस गीत को तैयार किया है, और गाया किसने है, शत्रुघ्न कबीर इन्होंने इसको गाया, और जारी करने वाले हैं हमारे सेना के प्रमुख बिपिन रावत, इन्होंने इसको जारी किया है। यहाँ देख सकते हैं, देखिए बिपिन रावत जो है, हम यहाँ बोल सकते हैं कारगिल शहीद हो, जैसे कि आपको पता है 26 जुलाई आने वाली है, और 26 जुलाई को जो है कारगिल दिवस के रूप में यानी कि विजय दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। ऑपरेशन जो है उस दिन चलाया गया था, यानी पाकिस्तान की सेना को बाहर भगा दिया गया था ऑपरेशन विजय चलाकर, और कारगिल युद्ध हुआ था, तो वहां पे अपनी जीत हुई थी, यानी कि भारत की जीत हुई थी, उसी की याद में 26 जुलाई को जो श्रद्धांजलि दी जाती है
जो भी शहीद हुए थे उनके लिए यहाँ पर 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि कारगिल दिवस के रूप में। और इस बार जो है 25 से लेकर 27 तक ये कार्यक्रम होने वाला है, तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये जारी किया गया। और इस बार की जो है 20वीं वर्षगांठ का जश्न यहाँ पे उसके उपलक्ष्य में इस गीत को जारी किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अलावा हम अगर बात करें इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीसीएमबी, और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जिसे हम बोलते हैं सीडीएफडी, इन दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो इसका उद्देश्य क्या है, मतलब दोनों के बीच में जो समझौता हुआ उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की अगर बात करूं यहाँ, तो देखिये जो एमओयू हुआ है, एमओयू का मतलब क्या होता है, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मतलब समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं अनुवांशिक विकारों के निदान और उपचार को बेहतर तरीके से सक्षम करने के लिए, यहाँ पे मतलब उसको जो है सक्षम बनाने के लिए इन दोनों के मध्य आपस में समझौता हुआ है। और नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने जीवन अवधि बीमा बेचने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, यानी कि पार्टनरशिप किसके साथ की है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, देखिए भारतीय एक्सा इंश्योरेंस, इसका राइट आंसर क्या है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ में इसने साझेदारी की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ताकि देखिए जीवन बीमा जो योजना है उसकी पेशकश यहाँ की जा सके। और बैंक पूरे देश में बैंकिंग बिंदुओं के जो है नेटवर्क, मतलब व्यापक नेटवर्क के माध्यम से योजना पेश करेगा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस को जो एमडी है अभी वर्तमान में सीईओ वो है विकास सेठ, और यहाँ अगर बात करें हम एयरटेल पेमेंट बैंक के, तो उसके सीईओ और एमडी कौन है, अनुव्रत विश्वास है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किस बैंक के द्वारा एनपीए वसूली प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए वसूल सो एफटी ये जो है लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है हमारे कर्नाटक बैंक लिमिटेड का द्वारा। और कर्नाटक बैंक लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है आपको देखने को मिलेगा मंगलुरु में, और इसके जो एमडी है अभी वर्तमान में महाबलेश्वर एमएस इसके एमडी है। और ये जो है एनपीए का मतलब हम देख सकते हैं, देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जो कर्जा दिया गया है वो वापस नहीं आएगा, तो ऐसी संपत्ति को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है आपके लिए आज के क्वेश्चन है, तो वो देख सकते हैं आप, देखिए इराक की राजधानी कौन सी है वो आपको बताना है, उसके अलावा यूनेस्को का मुख्यालय आपको बताना है, इसके अलावा सीएसआईआर का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पिछले डे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखिए ओला का जो सीए है, मतलब ओला जो कंपनी है उसके सीईओ कौन है, भी भावेश अग्रवाल है, और उसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक के अंतर्गत। जो आईसीआईसीआई बैंक जो है उसके प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है, भी संदीप बख्शी है। और फिक्की का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और स्टेब्लिश किया गया था 1927 में, फाउंडर है घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी में। नेक्स्ट बात करते हैं पिछले, मतलब जो है प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, तो देखिए रेयान जो है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कास्ट लुगदी से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किसको पीट कर जो है पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, जस्ता को पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं निम्न में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं, तो हम अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए नीति आयोग के तो होते ही है, राष्ट्रीय एकता परिषद के भी होते हैं, और भारतीय वन्य जीव बोर्ड, ये तीनों मतलब तीनों के जो है जो हमारे प्रधानमंत्री है कौन होते हैं, मुखिया यानी कि हेड होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी नंबर का, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरों, मतलब बड़ी शहरी जो बड़े शहरी क्षेत्रों है उनका नियंत्रण करता है, तो नगर प्रशासन की अगर बात करूं मैं तो कौन करता है, नगर निगम के द्वारा ये सारी चीजें मेंटेन की जाती है। नगर निगम ये जो है पहले नहीं था, मतलब जो है 74वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में, तो उसके तहत जो है नगर निगम जो है मतलब एक प्रकार से नया आर्टिकल और नया भाग सारी चीजें संविधान में जोड़ी गई है। तो ये तो था हमारा कंप्लीट लेक्चर, लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर कर सकते हैं लाइक करके वीडियो को, मतलब हमको पता चल जाएगी आपको वीडियो पसंद आया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।